हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स किए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का 10th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ यू इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई, देन शो दैट डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स क्यूब डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो जो गिवन इक्वेशन दिया है वो काफी छोटा इक्वेशन है। u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई, ये एक छोटा सा फंक्शन दिया है, हमें उसको डिफरेंशिएट करके ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है देखिए, यहां पे जो शो दैट में लिखा है उसके तरफ आप ध्यान दो। शो दैट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई। इसका मतलब ये है कि u को तीन बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन तीन बार डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया है, कितने बार किया है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, ये समझना जरूरी है। देखिए यहां पे डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई है, इसका मतलब ये है कि y के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और यहां पे डेल एक्स स्क्वायर है इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप राइट साइड में चेक करो तो यहां पे डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स है, इसका मतलब यहां भी वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है क्योंकि डेल वाई एक ही है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है क्योंकि डेल एक्स जो है वो दो बार लेके हैं इसलिए। लेकिन ये डिफरेंशिएशन में पहले कौन सा डिफरेंशिएशन लेना, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लेना या विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले लेना, वो कैसे समझ में आएगा, तो ये समझना काफी आसान है। इसके पहले के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने ये चीज बताए थे, फिर से हम यहां बता देते, काफी आसान है। देखिए अगर कोई फंक्शन है जैसे, और अगर आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल x, ठीक है। अगर आप यही u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल y, ओके। अब अगर आप ये डेल u बाय डेल x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यही डेल यू बाय डेल एक्स को, देखो अगर यही डेल यू बाय डेल एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डेल स्क्वायर यू बाय, जस्ट अ मिनट, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ऐसा लिखेंगे। ये बहुत जरूरी है, हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये हुआ, हमने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स हुआ। देखो डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दो, डिनोमिनेटर में डेल वाई डेल एक्स है, डेल वाई डेल एक्स देख के हमें ये समझ में आता है कि अभी अभी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है और इसके पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था। जो करंट डिफरेंशिएशन होता है वो आगे लगता है और जो इसके पहले का डिफरेंशिएशन है वो पीछे लगता है, ठीक है। अब अगर उसी टाइप का एग्जांपल अगर हम यहां ले, देखो ये डेल यू बाय डेल वाई को अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, हमने इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। लेकिन अगर यही डेल यू बाय डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। देखो डेल एक्स जो है वो पहले लगा क्योंकि अभी आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसीलिए जो करंट डिफरेंशिएशन है इसका मतलब अभी अभी आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आगे लगता है और जो पुराना वाला जो डिफरेंशिएशन है जिसके रिस्पेक्ट में आपने किए थे वो पीछे लगता है, ठीक है। यही समझना बहुत जरूरी है, ये जिसको पता है वो ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है क्योंकि यहां पे उसी टाइप का यहां पे ट्विस्ट किया है। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई है, इसका मतलब ये है यहां पे सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। देखो अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप ये u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल u बाय डेल y। देखो ये ऑर्डर आप समझ लो काफी आसान है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब ये u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा डेल u बाय डेल y, फिर हम ये डेल u बाय डेल y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y हुआ। देखो डेल x पहले लगा, डेल y बाद में लगा, क्योंकि अभी अब डिफरेंशिएशन जो नया डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए डेल x पहले लगा, और जो पुराना डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में वाला वो पीछे लगा। ठीक है, अब अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देखो इसको, ये डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा अब डेल क्यूब u बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां हो गया डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और ये डेल एक्स डेल वाई को आप ऐसा लिख सकते हैं डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर डेल एक्स इंटू डेल एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डेल वाई। ठीक है, तो ये कैसे आया वो समझ में आया, यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई कैसे आया समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, आपको इसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये मिलेगा, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये मिलेगा, फिर इसको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये मिलेगा, इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो फाइनली समझ गया होगा आपको कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालना, किस टाइप का ऑर्डर होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। अब उसी तरह से राइट हैंड साइड समझ लो कि राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाद में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स है, तो यहां पे ऑर्डर देखो, सबसे पीछे में क्या लिखा है डेल एक्स है, सबसे पीछे में डेल एक्स है, इसका मतलब आपको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसके आगे डेल वाई है, इसका मतलब दूसरे बार आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर तीसरे बार डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये जो u है इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा डेल u बाय डेल x। देखिए समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डेल u बाय डेल x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया डेल स्क्वायर u बाय डेल y डेल x, ऐसा हुआ। इसका मतलब ये जो स्टेप हमने बताए थे ये वही स्टेप यहां पर आया, और अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया डेल क्यूब u बाय डेल x डेल y डेल x, ऐसा हुआ। ठीक है, ये सबसे पुराना वाला, ये उसके बाद वाला, ये उसके बाद वाला। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आता है, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आता है, और इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आता है। पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह से राइट हैंड साइड में हो रहा है। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किस तरह का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये शो दैट में ये जो भी लिखा है उसको हम प्रूफ करेंगे। ये जो गिवन फंक्शन लिखा है वो हम सबसे पहले यहां लिख लेंगे, हम यहां पे लिखेंगे गिवन u इक्वल्स टू x टू द पावर y, ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, और अब इसको डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने पहले ही कहा कि आपको क्या क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले ये देखिए, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 नंबर पे रहेगा और ये 2 नंबर पे रहेगा, इसका मतलब पहले u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो ये इक्वेशन नंबर 1 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहां लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में यहां पे क्या होगा, देखो ये जो इक्वेशन है ये आपको इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल u बाय डेल y। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा, x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो वो हो जाएगा x टू द पावर y इंटू लॉग x। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा, फार्मूला काफी आसान है, देखो हम आपको फार्मूला लिख के देते हैं, अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तो आप फार्मूला अभी के अभी नोट पैड में लिख के रखो। फार्मूला ऐसा है कि d by dx of दैट इज a टू द पावर x होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये फार्मूला होता है, काफी आसान फार्मूला है, ये फार्मूला आप लिख के रखो, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो यहां पे ये देखिए a टू द पावर x के फॉर्म में है, तो ये हुआ a टू द पावर x के फॉर्म में इंटू लॉग a के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है,
हमें डेल यू बाई डेल वाई मिल गया, और अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर टू, इसको डिफरेंशिएट करना है टू को, इसलिए हमने इक्वेशन टू लिखे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, जो पुराना वाला डिफरेंशिएशन है वो पीछे रह गया और जो नया डिफरेंशिएशन है डेल एक्स वो सामने आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल काफी आसान है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये होता है जो इसके पहले के भी हमने काफी सारे प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो यहां देखिए, यहां पर दो टर्म है, पहला टर्म है एक्स टू द पावर वाई और दूसरा टर्म है लॉग एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो चलो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म, ये देखिए फर्स्ट टर्म हमने लिख दिए x टू द पावर y, फर्स्ट टर्म है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x, ठीक है, log x का 1 बाय x प्लस log x जो सेकंड टर्म है वो लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिए। कैसा, ये कैसे डिफरेंशिएशन हुआ ये समझना काफी आसान है, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए, फार्मूला हम यहां बता रहे हैं, अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये फार्मूला होता है जिसमें जो एक्स टू द पावर एन जो पावर है वो पहले बाहर आता है, देन एक्स टू द पावर पावर जो है वो एक से कम होता है तो एन माइनस वन, इस तरह से। तो यहां पर वही हुआ, ये देखिए ये यहां पर एक्स टू द पावर वाई है, इसका मतलब एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो उसको हमने डिफरेंशिएट किए तो n x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, यहां पे जो है n x टू द पावर n माइनस वन, उस तरह से हमने किए n x टू द पावर n माइनस वन, तो इस तरह से। और अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करो, तो फिलहाल हम इसको हल्का फुल्का सॉल्व करते हैं, तो चलो देखते हैं ये क्या हुआ। यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो 1 बाय एक्स है इसको एक्स इनवर्स ऐसा लिख लो, तो ये क्या होगा एक्स टू द पावर वाई, फिलहाल ये एज इट इज रखो, ये 1 बाय एक्स को x इनवर्स, इसका मतलब x टू द पावर माइनस वन ऐसा लिख लो, ठीक है, ताकि हमें आगे चल के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। और यहां पे ये टर्म पहले लिखो, ये टर्म बाद में लिखो, तो ये होगा y x टू द पावर दैट इज y माइनस वन इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिखे, ये जो पावर में y माइनस वन है इसको हम फिलहाल यहां ब्रैकेट में दे देते हैं, ठीक है, इंटू लॉग एक्स, तो फिलहाल हमने इसको ऐसा किया। और अब देखिए यहां पे x और x दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, अगर आप x x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका पावर है इसके पावर में y है और इसके पावर में माइनस वन है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये होगा x टू द पावर y माइनस वन। ठीक है, ये दोनों x का मल्टीप्लिकेशन किए तो देखो उसका पावर सब्सट्रैक्ट हो गया, प्लस y इंटू x टू द पावर यहां पे फिर से y माइनस वन और इंटू यहां पे log x, और अब यहां पे x टू द पावर y माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे हम वही करेंगे x टू द पावर y माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या क्या बचेगा देखिए, यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे बचेगा y इंटू लॉग x प्लस क्या हुआ दैट इज y इंटू लॉग ऑफ x। तो फाइनली ये हमने डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y फाइंड आउट कर लिया, इसको और सॉल्व कर नहीं सकते, फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, देखिए किस टाइप का डिफरेंशिएशन है, यहां पे काफी आसान है, हमने यहां पे x टू द पावर y माइनस वन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिए, तो यहां बचा 1, ठीक है, यहां पे सिर्फ 1 बचा है और यहां पे y और log x बचा है, इस तरह से फाइनली हमें डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y ऐसा मिला। लेकिन हमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, शो दैट में जो लिखा है इसके लेफ्ट साइड में डेल क्यूब u बाय डेल x स्क्वायर डेल y ऐसा चाहिए, तो हमें डेल क्यूब अभी तक नहीं मिला, हमें सिर्फ डेल स्क्वायर मिला है। और अगर आपको डेल क्यूब u बाय डेल x स्क्वायर डेल y ऐसा अगर टर्म चाहिए तो ये इक्वेशन नंबर 3 को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि जैसा हमने कहा था ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो हमने किए, देन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि डेल एक्स क्योर चाहिए, तो हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमने पहली बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये आया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो फाइनली ये शो दैट का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो चलो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चलो यहां पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने कहा था कि लेफ्ट साइड में
यहां पे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई है, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर में तो यहां पे क्यूब आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहां पे एक और डेल एक्स से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल एक्स हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, इसलिए यहां पे डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई ऐसा हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने बना लिए। और अब राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हमें फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पे कौन सी दो टर्म है वो आप समझ लो। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट टर्म एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये हो गया सेकंड टर्म, ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड टर्म है। और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल काफी आसान है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बस यही रूल अप्लाई करना है जो हमने यहां पे इसके पहले भी अप्लाई किए थे। तो चलो हम यहां पे लगाएंगे x टू द पावर y माइनस वन, ये फर्स्ट टर्म है तो वो हम पहले फर्स्ट टर्म यहां पे लिखेंगे x टू द पावर y माइनस वन, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। इसका मतलब ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस y इंटू लॉग एक्स, y तो कॉन्स्टेंट है तो इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन बाय एक्स, तो ये क्या हो गया जीरो प्लस y इंटू वन बाय एक्स। तो ये हम लिखेंगे That is 0 plus y into 1 by x, that is y by x. ये हमने ऐसा लिखे, चलेगा? यहां पे 0 plus y into 1 by x, it means y by x. तो इस तरह से, तो फाइनली हमने फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म कर ली, प्लस सेकंड टर्म करो, सेकंड टर्म माने सेकंड टर्म जो है 1 प्लस y इंटू लॉग x, ये तो हम एज इट इज लिखेंगे, ये सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, ये देखिए 1 प्लस y इंटू लॉग x, वो हमने लिख दिया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये जो x टू द पावर y माइनस वन है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज y माइनस वन इंटू x टू द पावर y माइनस टू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा हमने इसके पहले कहा था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n माइनस वन होता है, उसी तरह से जैसा हमने यहां किए थे, ये देखिए x टू द पावर y था तो y बाहर आया था और पावर जो है वो एक से कम हुआ था, तो y और x टू द पावर y माइनस वन ऐसा हुआ था। और अब अगर हम x टू द पावर y y माइनस वन को डिफरेंशिएट कर रहे तो जैसा यहां पे देखो पावर जो है y माइनस वन बाहर आया और x टू द पावर जो है वो एक से कम हो गया, तो पहले y माइनस वन था तो एक और माइनस वन उसमें आया तो वो हो गया y माइनस टू। इस तरह से यहां पे जो y बाय x है उसमें x को आप x इनवर्स के फॉर्म में लिखो जैसा आपने यहां लिखे थे, ये देखिए 1 बाय x को यहां पे x इनवर्स लिखे थे, इसका मतलब x टू द पावर माइनस वन किए थे, बिल्कुल वैसा ही हमें यहां पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर y माइनस वन एज इट इज रखो, पहला टर्म एज इट इज है, देन इंटू y इंटू x इनवर्स हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है ना, y बाय x को y इंटू x इनवर्स लिख दिए, प्लस इधर सब एज इट इज रखो, तो ये हम रखते हैं 1 प्लस दैट इज y इंटू log x, और यहां पे y माइनस वन इंटू x टू द पावर ये हो गया y माइनस टू। ठीक है, ये हमने लिखे, और अब यहां पे x टू द पावर y माइनस टू ये पहले टर्म में भी आ सकता है, कैसे आएगा देखो, तो ये हो जाएगा दैट इज x टू द पावर y माइनस टू। तो ये y माइनस टू कैसे आया, तो काफी सिंपल है, ये देखिए यहां पे x और x को हमने मल्टीप्लाई किए, दोनों x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो उसका पावर है वो या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा। यहां पे y माइनस वन है, इसके पावर में y माइनस वन है और इसके पावर में माइनस वन है, इसका मतलब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा y माइनस वन माइनस वन, ये देखिए y माइनस वन ऐसा, इट मीन्स y माइनस टू, ये दोनों में हमने सब्सट्रैक्शन कर लिए तो इस तरह से आया, तो वही जो है हमने यहां पर लिखा है, तो x टू द पावर y माइनस टू ऐसा हुआ। और इधर की टर्म जो है वो फिर से एज इट इज रखो, प्लस ये 1 प्लस y ऑफ log x, ये एज इट इज रखते हैं, इंटू y माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर y माइनस टू, ये हमने एज इट इज रखा है। और अब यहां पे कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, देखो x टू द पावर y माइनस टू जो है वो यहां भी है और यहां भी है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, तो x टू द पावर y माइनस टू हमने कॉमन ले लिए, तो क्या क्या बचा, तो इसमें बचा है 1 प्लस, इसमें क्या क्या बचा है, इसमें बचा है y माइनस वन, तो हम ये y माइनस वन रखेंगे और ये ब्रैकेट बच गया, इसका मतलब 1 प्लस y log of x ये बचा है, तो फाइनली यहां तक हमने ला लिए हैं। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और ये सॉल्व नहीं हो सकता फिलहाल, इसको यहीं पे स्टॉप करो, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेल क्यूब u बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई का वैल्यू हमें मिल गया, इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शो दैट में लिखा है, ये देखिए शो दैट में जो लिखा है, शो दैट का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमें ये वैल्यू मिल गया। ठीक है,
और अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम ये इक्वेशन को, ये जो फंक्शन दिया था, ये फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तीन बार। ऑर्डर हमने यहां पे लिखा है, इसको हमें तीन बार डिफरेंशिएट करना है और राइट हैंड साइड का ये जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर उसको हम इक्वेशन नंबर बी कहेंगे। फिर वो इक्वेशन नंबर बी और ये इक्वेशन नंबर ए को मैच करके देखेंगे। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो हम यहां पे समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो प्रॉब्लम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फाइनली अब हमें राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड के लिए कैसे सॉल्व करना, तो जैसा हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्लानिंग करके सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसा ही हमें राइट हैंड साइड के लिए भी प्लानिंग करके सॉल्व करना है। तो किस तरह से डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना वो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। देखो राइट हैंड साइड में डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स ऐसा चाहिए, तो इसके लिए आपको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो चलो फिर से हम इक्वेशन नंबर वन को डिफरेंशिएट करेंगे। वन को ही डिफरेंशिएट करना है, जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए वन को आपने तीन बार डिफरेंशिएट किए थे उसी तरह से ये इक्वेशन नंबर वन को ही आप फिर से तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे ये ऑर्डर से, तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो ये देखिए जो हमने अभी सॉल्व किए थे उसी में चेंजेस करके हम यहाँ पे बता रहे हैं। इधर का साइड हमने कुछ भी नहीं मिटाया, वो हमने एज इट इज रखे, सिर्फ जो हमने इधर यहाँ पे सॉल्व किए थे उसको हमने मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी टाइप से कैलकुलेशन होगा। ये देखिए यहाँ पे गिवन में ये जो इक्वेशन था इसको हमें यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करना है। ये इक्वेशन नंबर वन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखो सबसे पहले ये वन नंबर इट मीन्स आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पिछले बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, अब सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर वन को, तो यू के जगह यहां पे यू को डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पे आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। देखो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स आ गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, जैसा हमने बताए थे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, तो यहां पे एक्स टू द पावर वाई का होगा वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, ऐसा हुआ। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, वो आया डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, इस तरह से। और ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर, इसको अब इक्वेशन नंबर चेंज कर देंगे। थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन नंबर वन टू थ्री थ्री तक आए थे, और अब हम इक्वेशन नंबर फोर, हम इसको इक्वेशन नंबर फोर दे देंगे, हमने इसको इक्वेशन नंबर फोर कहा। तो फाइनली हमें डेल यू बाय डेल एक्स यहां पे मिल गया, और अब हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिल गया, इट मीन्स हमने ये डेल एक्स हमें मिल गया, इट मीन्स हमने ये टर्म फाइनली फाइंड आउट कर लिए। और अब हमें सेकंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो चलो अब हम यहां पे ये डेल यू बाय डेल एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पूरे इक्वेशन नंबर फोर का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम यहां लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा फोर। देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहां लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहां पर चेंजेस क्या होंगे, ये देखिए यहां पे चेंजेस ऐसे हो गए कि यहां पे डेल वाई पहले आएगा और डेल एक्स जो है वो बाद में रहेगा। हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो पुराना वाला डेल एक्स है वो यहां पीछे रह गया, और जो नया डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई वो आगे आ गया। तो चलो अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, वो रूल हमें यहां अप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म माने y हो गया, तो देखो फर्स्ट टर्म हम यहां लिखेंगे एज अ y, ठीक है। और अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर y माइनस वन का डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर y माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज x टू द पावर y माइनस वन इंटू लॉग ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा फार्मूला अप्लाई किए, थोड़ी देर पहले हमने आपको फार्मूला बताए थे d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, वो हमने बताए थे, देखो फिर से बता देते हैं, दैट इज d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर x होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये हमने स्टार्टिंग में फार्मूला बताए थे, यही फार्मूला हमने यहां पे फिर से अप्लाई कर लिए। जो है हमें x टू द पावर y माइनस वन को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो ये a टू द पावर x के फॉर्म में है, देखो a टू द पावर x के फॉर्म में है, तो यहां पे वही a टू द पावर x एज इट इज रहेगा इंटू लॉग a के फॉर्म में, यहां पे ये डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करके हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिए। तो फाइनली फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस
सेकंड टर्म लिखो, सेकंड टर्म माने क्या, x टू द पावर y माइनस वन, वो हम लिखेंगे सेकंड टर्म x टू द पावर y माइनस वन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, तो इनटू वन। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन इसको कर लिया। अब इसको थोड़ा बहुत हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने पर यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स टू द पावर वाई माइनस वन यहां भी है और एक्स टू द पावर वाई माइनस वन यहां भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x टू द पावर यहां पे y माइनस वन हमने कॉमन ले लिए, तो क्या क्या बच गया, यहां पे बचा y इंटू लॉग x, तो ये हम यहां पे लिखेंगे y इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है, इसमें बचा, और इधर क्या बचा, इसमें बचा प्लस वन, तो इस तरह से हमने लिख दिए। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फिलहाल एज इट इज रहने दो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, देखिए यहां पे x टू द पावर ये जो y माइनस वन है ये तो एज इट इज रहने दो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसका मतलब ये इसको उल्टा लिखो, वन प्लस वाई लॉग एक्स, ये हमने इसको ऐसा लिखे। यहां पे फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि फिलहाल और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको कहा था कि इसको हमने ऐसा लिखे उसका रीजन समझना है, तो इसको रीजन भी इसका समझ लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिए हमने, इसको हमने इसलिए ऐसा अरेंज किए क्योंकि इसके बाद हमें इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। हमने कहा था कि तीन बार डिफरेंशिएशन करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 था उसको हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 4 मिला, फिर हमने इक्वेशन नंबर 4 को एक और बार डिफरेंशिएट किए तो इक्वेशन नंबर 5 मिला। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और आगे ये सॉल्व नहीं होता। और अब हमें इक्वेशन नंबर 5 को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या होना वो भी हमने आपको बताए थे। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो वो हमने कर लिए तो इक्वेशन नंबर 4 मिला। फिर इक्वेशन नंबर 4 को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, देखो सेकंड जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट किए तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला। और अब इक्वेशन नंबर 5 को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो थर्ड नंबर पे हमने यहां पे डेल एक्स को हमने थर्ड नंबर दिया है, इसका मतलब अब हमें इक्वेशन नंबर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहां पे शो दैट मेक अ राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो चलो अब हम फाइनली इक्वेशन नंबर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये कंफर्म है, हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हमने जो थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब सॉल्व किए थे तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने ये पार्ट हमने मिटाए नहीं थे, देखो ये हमने एज इट इज रखा था, इसको हमने नहीं मिटाए थे। वो हमने इसलिए नहीं मिटाए थे क्योंकि अब ये हमें यहां काम में आने वाला है। देखो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल वही होगा, हमें बस थोड़ा बहुत एक दो जगह चेंज करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर, पिछले बार ये 3 था और अब ये 5 हो जाएगा, हमें इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो यहां पे लिखा है पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या आएगा, यहां पे डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स है, तो यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक और डेल एक्स सामने आ जाएगा, एक और डेल एक्स सामने आ जाएगा, तो यहां पे ऐसा हो जाएगा। देखिए इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे चेंज है, पहले ये था डेल वाई डेल एक्स, ये देखिए पहले ये था डेल वाई डेल एक्स और एक और डेल एक्स यहां पे सामने आ जाएगा, ये देखिए एक और डेल एक्स सामने आ गया, इट मींस ये शो दैट का राइट हैंड साइड हमें यहां पे मिल गया। और अब यहां से यहां तक पूरा सेम टू सेम है, और यहां पे हमें बस ये जो है ये हमें चेंज यहां भी करना है, तो ये देखिए ये हो गया डेल एक्स, ये हो गया डेल वाई और ये हो गया डेल एक्स, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए ये देखिए यहां पे डिफरेंशिएशन का फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज रखे, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, देन सेकंड टर्म आपको लिखना है, तो ये देखो सेकंड टर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन फिर से वही, और आगे फिर से वही है जो हमने इसके पहले किए थे। तो फाइनली यहां पे हमने सॉल्व कर लिए, और अब इसको अब आप इक्वेशन नंबर बी दो, ये देखो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर बी दे दिए। तो फाइनली पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किए थे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इतना आया था, उसको हमने इक्वेशन नंबर ए दिए थे। अब हमने राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया है तो राइट हैंड साइड का भी आंसर उतना ही आया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर बी दे दिए। और अब इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन नंबर ए एंड बी में राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी ऐसा हम लिख सकते हैं कि डेल क्यूब यू
बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। इसका मतलब जो शो दैट में शो करने के लिए कहा था वही हमने यहां लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी। ये होता है कंक्लूजन इक्वेशन नंबर ए और बी का। तो फाइनली प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ये शो दैट करने के लिए कहा था हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।